संयुक्त किसान मोर्चा सोमवार को एमएसपी की गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत करने जा रहा है। आपको बता दें, प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों ने महापंचायत में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचना शुरू भी कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस टिकरी, सिंधु और गाजी बॉर्डर पर सीमेंट बैरिकेड्स लगाकर खड़ी भी है। अधिकतर किसानों ने दिल्ली जाने के लिए पंजाब की ओर से आने वाली ट्रेनों का इस्तेमाल किया और बहादुरगढ़ स्टेशन पर खड़ी पुलिस के सामने जयकारे लगाते हुए दिल्ली में आए, जहां वे सीधे बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। आपको बता दें, यहां पर पहुंचे किसान पुराने परिचितों से मिलकर मेट्रो और बसों के जरिए दिल्ली में चले गए। किसानों का कहना है कि वे दिल्ली बॉर्डर पर पक्के मोर्चे लगाने नहीं आए हैं, अभी वे केवल एक दिन के प्रदर्शन के लिए आए हैं ताकि सरकार को चिताया जा सके। सरकार ने पहले की तरह ही जिद बांधी तो फिर से बोरिया बिस्तर लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन शुरू करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।